हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर वेलकम्स यू ऑल फॉर द लेक्चर नंबर 6 पल्स कोड मॉड्यूलेशन दैट इज PCM फ्रॉम द यूनिट 2 पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक ऑफ द सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हुज सब्जेक्ट कोड इज 22428. The vision of the department to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. And to complete this vision, we have 5 mission statement. That is, mission number 1 is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second number, provide ethical and outcome-based education for the development. Third mission is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. And mission number 4 is enhance the leadership skill and employability or higher education. Mission number 5 is seeking continuous improvement of knowledge and skill. After a diploma, you have to have such kind of qualities, and that is called as program educational objectives. So, first program educational objective is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad-based problems adapting professional ethics. PO2 is adopt state-of-the-art electronics and telecommunication engineering broad-based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third PO is solve broad-based problem individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. Now, आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, तो जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस एंड सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, नेचुरल और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बाद कंपाउंडिंग का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है. इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसलिए सेकंड नंबर का जो कोर्स आउटकम है वो आज के टॉपिक को सेटिस्फाई करता है. यूज़ वेरियस पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक, और इसीलिए हमने CO2 को मैप किया है प्रोग्राम आउटपुट से. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, आज का टॉपिक कम्प्लीट करने के बाद आप लोगों को PCM यानी क्या है, PCM का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, उसके बाद में PCM ट्रांसमीटर के बारे में जानकारी मिलेगी, PCM रिसीवर और इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन पता चलेगा. अब देखिए, हमने फर्स्ट जो हमारा स्लाइड था, फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर, इसमें मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन की कुछ क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिखाया था. तो पल्स मॉड्यूलेशन के जो टाइप्स होते हैं उसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है. तो इसमें PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये जो टाइप्स थे ये एनालॉग से डिजिटल में हम डेटा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमने टेक्निक्स पढ़ी थी. तो PCM ये एक ऐसी टेक्निक है जो एनालॉग वेवफॉर्म को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि हम डिजिटल डेटा को सेंड कर सके ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर तक. तो PCM का काम क्या है, मेनली एनालॉग से डिजिटल में डेटा को कन्वर्ट करना. सो PCM का ट्रांसमीटर कैसे काम करता है, PCM का रिसीवर कैसे काम करता है, ये आज हमें देखना है. सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ अ डिजिटल स्कीम फॉर ट्रांसमिटिंग एनालॉग डेटा. द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स. PCM system consists of PCM encoder that is transmitter and PCM decoder that is receiver. The main operation of transmitter is sampling, quantizing and encoding. अब देखिए, sampling भी हम पढ़ चुके हैं. sampling का मतलब मैंने बता दिया था कि continuous wave को break करके टुकड़ों में तोड़ना है ना, यानी sample लेना, यानी कुछ पार्ट लेना उस सिग्नल का, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट लेना, फिर उसके बाद वाला पार्ट लेना, यानी हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस सिग्नल को जस्ट ब्रेक कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में. फिर क्वांटाइजिंग का मतलब क्या था, कि ये जो सैंपल्स हमने तोड़े हैं, अगर बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं जो बहुत पास पास की वैल्यू रिप्रेजेंट करते, एक सैंपल की हाइट है 5 वोल्ट, एक सैंपल की वैल्यू है 5.1 वोल्ट, तो तीसरे सैंपल की वैल्यू है 5.2 वोल्ट, तो ये एक ही रेंज में आ रहे हैं, एक ही लेवल के अंदर में आ रहे हैं, तो
जब जब भी वो एक ही एरिया में या एक ही लेवल में आते हैं तो उनको एक कॉमन वैल्यू असाइन करना, यानी क्वांटाइजेशन लेवल असाइन करना, जो हमने Q0, Q1, Q2 इस टाइप की जो लेवल्स मार्क की थी हम लोगों ने, उस टाइप से। इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल को एक ही वैल्यू मिलेगी, और लास्ट में ये जो एक ही वैल्यू आई हुई है, ठीक है, इसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसको इनकोड करना, मीन्स इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है PCM ट्रांसमीटर का। अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखोगे अभी PCM ट्रांसमीटर की, तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखेगा कि सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूस एक सिग्नल है जिसको लो पास फिल्टर से हम सॉल्व कर यानी पास करते हैं, सो दैट ये बैंड लिमिटेड हो जाता है। अगर हमने लो पास फिल्टर से इसको पास कर दिया तो लो पास फिल्टर की जितनी फ्रिक्वेंसी है वो उतना ही सिग्नल अलाउ करेगा, उतने ही फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल अलाउ करेगा। इसका मतलब हमारे पास जो भी सिग्नल नेक्स्ट टाइम आएगा वो बैंड लिमिटेड रहेगा, हमें उसकी परफेक्ट फ्रिक्वेंसी पता रहेगी। अब ये कंटिन्यूस सिग्नल है, इसको मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है ना। और सैम्पलिंग में हमारे पास हमने पढ़ा था नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, तो ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के लिए सैम्पल्ड एंड होल्ड सर्किट, जो FET, दो FET से बना हुआ सर्किट था, वो इस ब्लॉक के अंदर रहेगा, तो इसको नाम दिया गया है सैम्पल एंड होल्ड टेक्निक। तो जैसे ही हम सैम्पल एंड होल्ड टेक्निक से ये कंटिन्यूस वेवफॉर्म पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है अलग अलग फ्लैट टॉप में, अलग अलग वेवफॉर्म, यानी यहाँ की हाइट सबसे ज़्यादा है तो ये सैंपल मिलेगा, उसके बाद वाला थोड़ा हाइट कम है तो ये सैंपल मिलेगा, यानी इनको अगर हम जोड़ते हैं इनके टॉप को तो हमें एक साइन वेव ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब सैंपल एंड होल्ड टेक्निक हम क्या करते हैं कि उसको ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद अगर ऐसे बहुत सारे सैंपल एक ही वैल्यू एक ही लेवल पे है, ये अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका सेम हमने नीचे एक डायग्राम वेवफॉर्म बनाई हुई है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे क्वांटाइजेशन होता है और कैसे उनको डिजिटल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है, जैसे ये वाली वैल्यू अगर रिप्रेजेंट है, तो ऐसे 10-12 सिग्नल्स अगर हैं तो ये 10-12 सिग्नल के लिए एक ही वैल्यू असाइन होगी। अगर इस हाइट के 5-6 सिग्नल्स हैं तो उसके लिए यही हाइट, 5-6 सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली हाइट हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन, यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स हैविंग नियर अबाउट एम्पलीट्यूड कैन बी असाइंड अ सिंगल वैल्यू। तो वो काम कौन करता है, क्वांटाइजर। और हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस पढ़ी हुई है, जो 8 लेवल में मैंने डिवाइड करके दिखाया था आप लोगों को, एक कंटिन्यूस सिग्नल को हम 8 लेवल में डिवाइड करते हैं और अलग अलग लेवल में अगर बहुत सारे सैंपल्स आते हैं तो उनको एक ही वैल्यू असाइन होती है। इसके बाद ये क्वांटाइजर की को अभी हमको डिजिटल में डेटा में कन्वर्ट करना है, यानी एनकोड करना है। तो अगर सपोज़ ये जो वैल्यू है टॉप मोस्ट, इसकी वैल्यू है अगर 10, तो ये 10 को डिजिटल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1010, है ना, आपको पता है डिजिटल में 10 को कैसे लिखा जाता है। अगर नेक्स्ट वाले वैल्यू की वैल्यू है 5, तो 5 को कैसे लिखा जाएगा 4-bit में, 0101, है ना। तो इस टाइप से ये लेवल्स को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द एनकोडर। एनकोडर इज नथिंग बट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये जो डेटा है ये पैरेलल डेटा होता है, यानी एट ए टाइम ये सारे बिट्स बाहर निकलते हैं, लेकिन हमको इसको तो सिंगल वायर से भेजना है, इसीलिए हमको ये 1x1 बिट्स चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगाते हैं। एंड दिस एरो इंडिकेट द बस, है ना, इस एरो को क्या कहा जाता है, बस, दैट विल कन्वर्ट पैरेलल टू सीरियल डेटा। और ये पैरेलल टू सीरियल जो डाटा आएगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल बिट्स, और ये रहेगा हमारा PCM का आउटपुट। तो बेसिक एम क्या था PCM का, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक पल्स जनरेटर दिख रहा है, ये जो पल्स जनरेटर है ये कंटिन्यूस वेव को जनरेट करते रहता है, स्क्वेयर वेव को। अब ये स्क्वेयर वेव की ये जो ऊपर की विड्थ है, ये जितनी देर वाला विड्थ रहेगा उतने देर के लिए सैंपल हमको मिलेगा, उतने देर के लिए सैंपल मिलेगा। अगर ये नीचे चला जाता है यानी ऑफ होता है तो उतनी देर के लिए सैंपल नहीं मिलेगा, फिर से ये हाई हो गया तो उतने देर के लिए सैंपल मिलेगा। इसका मतलब इसका जो विड्थ है, ये जो वेवफॉर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं पल्स जनरेटर की, इसका जो विड्थ है वो डिसाइड करता है कि हमें कितने विड्थ वाला सैंपल यहाँ पे मिलने वाला है।
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे बताया है पूरी थ्योरी, द सिग्नल इज़ पास थ्रू द लो पास फिल्टर, इसलिए हमको बैंड लिमिटेड सिग्नल मिलेगा। उसके बाद में सैम्पल एंड होल्ड सर्किट से ये क्या हो जाता है, ब्रेक करते हम इस सिग्नल को, नंबर ऑफ सैम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो है ये हम निक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, सो दैट ये जो सैम्पलिंग रेट रहेगा इस सिग्नल के फ्रिक्वेंसी से डबल रेट में हमको चाहिए इसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमेशा सैम्पलिंग की फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन द ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, तभी हम ओवरलैपिंग यानी अलाइजिंग इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पूरा थ्योरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वही यहाँ पे मैंने दिया हुआ है हर ब्लॉक के बारे में कि हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये एक साइन वेव है जो हमने सबसे पहले भेजी है बैंड लिमिटेड फिल्टर में से, लो पास फिल्टर से। इसके बाद में ये जो है पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर का मतलब मैंने बताया था एक कांस्टेंट विड्थ वाला सिग्नल कंटिन्यूएशन में जनरेट होते जाएगा। अब इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये विड्थ जब तक रहेगी तब तक ही हमें सैंपल मिलेगा। देखिए हमारा ये जो था ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल को हमको तोड़ना है, लेकिन कितने देर के लिए तोड़ना है और कितनी देर के लिए उसको रोक के रखना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, पल्स जनरेटर की विड्थ। तो ये इसकी विड्थ अगर इतनी है तो इतना ही सैंपल हमको मिलेगा। इसके बाद में ये विड्थ जो है ये ऑफ रहेगा उस वक्त, तो यहाँ तक हमको सैंपल नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर से ये वाला विड्थ आया है, तो इतनी ही विड्थ वाला ये फिर से हमको सैंपल मिलेगा। फिर से ये यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा, यानी जितनी हमको यहाँ पे पल्सेस दिख रही है उतने ही सैंपल्स हमको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये तीन सैंपल, ये एक दो तीन, ये तीन सैंपल अगर एक ही हाइट के हैं नियर अबाउट, तो इनको एक ही वैल्यू असाइन की जाती है कांस्टेंट। अगर ये एक दो तीन ये सैंपल अगर एक ही लेवल पे दिख रहे हैं ये नियर अबाउट एक ही लेवल पे हैं, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन अगर एक ही लेवल में हैं तो उनको भी एक ही कांस्टेंट वैल्यू असाइन की जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्वांटाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू अगर इसकी लेवल है सपोज़ थ्री, तो ये पूरे वैल्यू को थ्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, और थ्री का मतलब होता है वन वन, तो यहाँ पे भी वन वन भेजा जाएगा, यहाँ पे भी वन वन भेजा जाएगा, यहाँ पे भी वन वन भेजा जाएगा। अगर ये कंप्लीट सैंपल टू पे है तो, और ये दो सैंपल के लिए हमने वैल्यू ली है, तो ये दो सैंपल भी देखिए टू का मतलब होता है वन ज़ीरो, और यहाँ पे भी वन ज़ीरो, इसका ये तीन सैंपल वन टू थ्री, अगर ये तीन सैंपल वन लेवल पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये वन लेवल पे, तो इनको भेजा जाता है ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, यानी वन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में ज़ीरो वन ज़ीरो वन में, तो ये टू बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका मतलब ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया थ्रू सैम्पलिंग, ये हमने सैम्पल कर दिया यानी टुकड़ों में तोड़ दिया सिग्नल, किसकी वजह से, पल्स जनरेटर से जो पल्सेस आती है उसकी वजह से। उसके बाद में सेम लेवल वाले सिग्नल को हमने कॉमन वैल्यू दे दी और वो कॉमन वैल्यू को हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया हमारा पीसीएम रिसीवर। पीसीएम रिसीवर पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा डिजिटल वाली वैल्यू आएगी, लेकिन रिसीवर का काम क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल सिग्नल को वापस लाना, यानी जो भी डिजिटल में वैल्यू आ रही है उसको ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करना, यानी हमारा फिर से साइन वेव यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ या मैं डेटा साइन वेव में भेज रही हूँ या जो भी स्ट्रक्चर में मैं सिग्नल भेज रही हूँ उसी सेम स्ट्रक्चर में आपको रिसीवर पर सुनाई देना चाहिए या मिलना चाहिए, तो सेम दोनों भी ट्रांसमीटर से भेजा गया डेटा और रिसीवर पे रिसीव करने वाला डेटा, ये दोनों भी सेम होने चाहिए तभी हमारा ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है। तो हमको रिसीवर पे ओरिजिनल सिग्नल चाहिए और ओरिजिनल सिग्नल होता है हमारा साइन वेव। तो यहाँ पे रिसीवर में बहुत आसान ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे रीजनरेटिव सर्किट होता है, रीजनरेशन सर्किट। देखिए यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो पीसीएम प्लस नॉइज, क्योंकि पीसीएम का आउटपुट क्या था 1010 या 000 या 111, जो भी डिजिटल डेटा है अगर वो ट्रांसमिट होके आता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर ऐड हो जाएगी एटमॉस्फेयर से, और इसलिए हमारे पास जो रिसीवर के पास जो डेटा आएगा वो पीसीएम प्लस नॉइज होगा। अब ये रीजनरेटिव सर्किट क्या करता है, इस नॉइज को रिमूव करता है ना, और प्योर हमको पीसीएम की वेव फॉर्म देता है। तो ये पीसीएम की जो वेव फॉर्म है इसको, ये हमारे डिजिटल में है और ये
पैरेलल टू सीरियल डेटा था, यानी सीरियल था, लेकिन अभी हमको वापस करना है, इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेना है, तो हमको सीरियल से फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में, इसलिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर लगेगा। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर से डेटा आ जाएगा हमारा। अब ये जो डेटा रहेगा वो डिजिटल है, इसको वापस हमको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो हमें डी टू ए कन्वर्टर लगेगा। ट्रांसमीटर में हमने यूज़ किया था ए टू डी, दैट इज़ एनकोडर, जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हमें डिकोडर की ज़रूरत होती है। डिकोडर का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना, और ये एनालॉग जो सिग्नल रहेगा ये अभी हमारा आएगा क्वांटाइज सिग्नल, और इसको अगर हम लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो हमारा वापस ओरिजिनल रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल हमें यहाँ पे वापस मिलता है। लेकिन इसका जो स्पीड है, रिसीवर का जो स्पीड है, वो हमेशा ट्रांसमीटर की स्पीड से मैच होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे भी एक पल्स जनरेटर है जो सेम स्पीड पे काम करता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो फ्रीक्वेंसी हमने ट्रांसमीटर पे यूज़ की थी। द पल्स जनरेटर हैज़ टू ऑपरेट इन सिंक्रोनाइजेशन विद दैट ऑफ द ट्रांसमीटर। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, पल्स जनरेटर की स्पीड जो रिसीवर पे है वो सेम स्पीड पे ट्रांसमीटर पे भी उसने काम करना चाहिए। नाउ ये सब हमने अभी देखा है, पूरा ब्लॉक डायग्राम के बारे में ही हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद एप्लीकेशन क्या है पीसीएम के, टेलीफोन सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद स्पेस कम्युनिकेशन, जो हमारे पास सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आती है या हम धरती से जो सैटेलाइट तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो सब कोडिंग में होती है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट ट्रांसमिट सिग्नल टू अर्थ ड्यू टू हाई नॉइज इम्यूनिटी। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है, यानी अभी तो एप्लीकेशन देख लिया हम लोगों ने कि डिजिटल टेलीफोन सिस्टम में यूज़ होता है, यानी मोबाइल्स कम्युनिकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस कम्युनिकेशन में, स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन में, अब एडवांटेजेस क्या है, यानी इसके प्लस पॉइंट क्या है पीसीएम के, तो नॉइज इम्यूनिटी इज़ वेरी हाई, यानी एरर्स जल्दी इसमें एंटर नहीं करते। इसके बाद रिपीटर्स कैन बी प्लेस्ड, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम रिपीटर्स ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लगा सकते हैं। ड्यू टू डिजिटल नेचर, इसका नेचर कैसा है डिजिटल, क्योंकि डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में हम सेंड कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल होने की वजह से हम इस डेटा को स्टोर भी करके रख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ वेरियस कोडिंग टेक्निक्स टू मेक द कम्युनिकेशन सिक्योर, और इसके साथ में अगर हमने कुछ कोडिंग टेक्निक्स लगा दी तो डेटा को हम ज़्यादा तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और पीसीएम सिस्टम में सिग्नल टू नॉइस रेशो इम्प्रूव होता है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कि ये जो हम सर्किटरी यूज़ करते हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग उसके बाद क्वांटाइजेशन, इसका जो सर्किट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी समझने के लिए भी बहुत हार्ड होता है, सर्किट डिज़ाइन करना बहुत हार्ड होता है, क्रिटिकल होता है। इसके बाद पीसीएम जो टेक्निक है उसमें लार्जर बैंडविड्थ लगती है, यानी नंबर ऑफ बिट्स हम ज़्यादा भेज रहे हैं तो बैंडविड्थ भी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम। अब अदर कौन से, इसके बाद वाले जो पढ़ने वाले हम डेल्टा मॉड्यूलेशन, जैसे अडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, है ना, तो ऐसे सिस्टम के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ लगती है, इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और अभी अगर हम समराइज़ करने की कोशिश करते हैं ये पूरे टॉपिक को, तो हमने पीसीएम की ज़रूरत क्यों है, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद पीसीएम का ट्रांसमीटर देखा हमने, पीसीएम का रिसीवर देखा, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज। पीसीएम के ट्रांसमीटर की खास बात क्या थी, कि उसमें लो पास फिल्टर था, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट था, फिर क्वांटाइजेशन यानी क्वांटाइजर था, उसके बाद एनकोडर था, और लास्ट में हमारा पीसीएम हमको आउटपुट मिलता है। तो ये थोड़ा ब्लॉक्स हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी यही ब्लॉक्स की ज़रूरत आपको थ्रू आउट द यूनिट लगने वाली है। यही ब्लॉक में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने के बाद कैसे डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन के सर्किट्स या ब्लॉक डायग्राम बन सकते हैं, ये हमें देखना है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 2। थैंक यू सो मच।